Hello everyone. Today we will be discussing topic entitled biosimilars. As you can see the first slide of this presentation, I have presented two butterflies and two dolls. These butterfly and dolls are representing the difference between biosimilars and biologics. So for now, अगर एक आउटलाइन की बात करें तो फर्स्ट स्लाइड के अंदर ही हमने सब कुछ डालने की कोशिश की है. बायोसिमिलर एज द वर्ड सजेस्ट कि कोई भी ऐसी बायोलॉजिकल मोइटी जो सिमिलर है दूसरी एंटाइटी के बट इट इज नॉट आइडेंटिकल. लाइक दीज टू डॉल्स आर सिमिलर टू ईच अदर बट दे आर नॉट आइडेंटिकल. सिमिलरली दीज टू बटरफ्लाइज आर सिमिलर टू ईच अदर बट आर नॉट आइडेंटिकल. नाउ we will be differentiating between branded drugs and generic drugs as an introductory topic. Agar koi ek company A branded drugs bana rahi hai aur company B is producing generic drugs. So agar ek company koi bhi ek drug, let's say company A branded drug bana rahi hai, to wo apna jo bhi tenure hota hai uska, wo us tenure ke liye उस ड्रग को अगर सिंथेसाइज करा है उस कंपनी ने तो वो उसको यूज करती है आफ्टर गेटिंग अ पेटेंट फॉर द प्रोडक्ट, आफ्टर फाइलिंग अ पेटेंट फॉर द प्रोडक्ट एंड गेटिंग द राइट्स फॉर द यूजिंग दैट ड्रग. जैसे ही उस ड्रग के उस कंपाउंड के जो पेटेंट राइट्स हैं उस कंपनी के ओवर होते हैं, एज सून एज द पेटेंट राइट्स आर ओवर फॉर दैट कंपाउंड फॉर दैट ब्रांडेड ड्रग बाय दैट ए कंपनी, वो ड्रग इज नाउ एलिजिबल टू बी यूज बाय एनी कंपनी लेट्स से बी, कि वो उस कंपाउंड को सिंथेसाइज करें अपने मैकेनिज्म से अपने बाय देयर ओन एंड दे विल कॉल इट एज जेनेरिक ड्रग. ओके दैट इज व्हाई इट इज चीप, क्योंकि उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का टाइम नहीं लगता है जो कि पहले ही जो कंपनी ए है वो उसको बनाकर दे चुकी है. तो इसको अगर हम समराइज करें तो सी मेडिसिन और ड्रग जो भी ब्रांडेड ड्रग है वो एक स्मॉल और स्ट्रक्चरली सिंपल मॉलिक्यूल है जिसका खुद का एक केमिकल कॉम्पोजिशन है जो कि डिजाइन किया गया था ड्रग डेवलपमेंट के टाइम के टाइम. तो इस ड्यूरेशन इस पूरे प्रोसीजर में जो आपका ब्रांडेड ड्रग्स का होता है एक स्पेसिफिक टेन्योर का टेन्योर होता है इसका, ठीक है. और जैसे ही लेट्स से कंपनी ए डिस्कवर्ड टाइलिनोल और उसने उसको पेटेंट करा के लाइसेंस लिया और उसको एक ब्रांडेड ड्रग की तरह मार्केट में लाया एक कंपनी, उसके बाद जैसे ही उसका पेटेंट का टेन्योर खत्म हुआ तो कंपनी बी ने उसका जेनेरिक ड्रग फॉर्म किया दैट इज एसिटामिनोफेन. कंपनी बी ने सिंथेसाइज किया. अब इससे क्या हुआ, इससे टाइम की बचत हुई. जो भी जितना टाइम उस ड्रग ने पेटेंट के दौरान लिया सो लिया, बट अब कंपनी बी के पास राइट्स हैं कि वो उसके अब वो उसको यूज कर सके विद देयर नेम विद देयर टैग. नेक्स्ट नाउ बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स द मेन टॉपिक बायोसिमिलर्स. जिस तरीके से आपने पिछली स्लाइड में देखा कि एक ब्रांडेड ड्रग बनती है अपना पेटेंट टेन्योर पूरा करती है जितना उसने पेटेंट कराया होता है, उसके बाद कोई भी कंपनी के पास राइट होता है कि वो उस ब्रांडेड ड्रग को रीयूज कर सके अपने हिसाब से सिंथेसाइज करके, और उसके पास फिर वो राइट्स चले जाते हैं आफ्टर द पेटेंट एक्सपायर्स फॉर कंपनी ए. उसी तरीके से कंपनी कोई भी लेट्स से कंपनी सी एक बायोलॉजिक्स जो होते हैं वो बना रही है, अगर वो बायोलॉजिक्स बना रही है उसके तो उसके भी खुद के कुछ पेटेंट राइट्स होंगे. तो उसने जैसे कंपनी सी ने बायोलॉजिक्स बनाए उसके बाद वो अपने पेटेंट राइट्स को एंजॉय करती है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टेन्योर, और आफ्टर इट्स एक्सपायरी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पेटेंट नाउ कंपनी डी एनी ऑफ द कंपनी एनी एनोनिमस कंपनी हैज अ राइट टू सिंथेसाइज सेम कंपाउंड विच वॉज यूज एंड डेवलप बाय कंपनी सी बाय देयर ओन. और अब सिमिलरली जैसे हमने जेनेरिक्स के लिए पढ़ा था सेम वैसे ही बायोसिमिलर्स जब बनते हैं तो उनके पास भी राइट होता है कि सेम एक्टिविटी वो शो करेंगे बट द एक्टिविटी विल बी द कंपाउंड दैट विल बी सिंथेसाइज बाय कंपनी डी एज अ बायोसिमिलर विल हैव सिमिलर अफेक्ट बट दे विल नॉट बी आइडेंटिकल टू द बायोलॉजिक्स. ओके अब जो मेन डिफरेंस है जो हमारा बायोलॉजिक्स और जो मेन ब्रांडेड ड्रग में होता है इज दैट जो मेन ब्रांडेड ड्रग है दैट इज अ केमिकली सिंथेसाइज्ड कंपाउंड एंड बायोलॉजिक्स आर लार्ज साइज्ड कॉम्प्लेक्स मेडिसिनल प्रोडक्ट मेड फ्रॉम लिविंग सेल प्रोटीन्स और ऑर्गन टिश्यू. दिस इज द मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन विच डिफरेंशिएट्स एनी ब्रांडेड ड्रग फ्रॉम बायोलॉजिक्स. सिमिलरली
जो ब्रांडेड ड्रग है उसके उसका पेटेंट टेन्योर और ओवर होने के बाद जो ड्रग आती है दैट इज कॉल्ड योर जेनेरिक ड्रग, और बायोलॉजिक्स का पेटेंट टेन्योर होने के बाद जो आप प्रोडक्ट बनाते हैं दैट इज कॉल्ड बायोसिमिलर। सो इट्स अ हाईली सिमिलर कॉपी ऑफ ओरिजिनल बायोलॉजिक्स एंड ड्यू टू इट्स इंटरेस्टिंग इंट्रिंसिक वेरिएबिलिटी एसोसिएटेड विद बायोलॉजिक्स। बायोसिमिलर्स आर ड्रग विद सिमिलर केमिकल कॉम्पोजिशन एंड एपीआई एज बायोलॉजिक्स अर्लियर एंड प्रोटेक्टेड बाय पेटेंट सॉरी। फॉर एग्जाम्पल एवास्टिन, एवास्टिन एक ड्रग एवास्टिन इज अ बायोलॉजिक प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी सी एंड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ इट्स पेटेंट नाउ द कंपनी डी हैज राइट टू मेक बायोसिमिलर एंड दे डू एंड दे डिड सो बाय मेकिंग बेवासीजुमैब अ बायोसिमिलर ऑफ रोशे एवास्टिन व्हिच वाज अ बायोलॉजिक। ओके इसको मैं एक छोटे से कॉन्सेप्ट से आपको क्लियर करना चाहूंगी बायोलॉजिक और बायोसिमिलर के मतलब प्रिपरेशन को या मॉलिक्यूल को। आपने देखा होगा कि एक एप्पल जूस बनता है, एक यार्ड से फ्रेश एप्पल्स आते हैं और फ्रेश एप्पल्स को काट कर हम लोग अपने लिए जूस प्रिपेयर करते हैं। अब वो जूस हमारे अगर अगर मेरे हैंड्स ऑन उस पे हैं तो मैं अलग जूस बनाऊंगी, मतलब पर्सन हैंड टू हैंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू प्रोसेस इट मे वेरी। तो दिस इज समथिंग विच इज अ प्रोसेस जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है और मैनुअल प्रोसेस है जो वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। बट यही चीज अगर कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कर रहा है और उसका एपी फिज बना रहा है उस एप्पल का, अगर वो एपी फिज बना रहा है तो उसकी कॉम्पोजिशन विल बी प्रोटोटाइप्ड एंड एंड एक तरीके से कह सकते हो आप कि बिल्कुल पैक्ड होगी उसकी जो कॉम्पोजिशन है। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द प्रोडक्ट्स कि वो दोनों सिमिलर तो हैं, जूसेस बोथ आर द जूस बोथ ऑफ देम आर जूसेस बट उनके अंदर एक डिफरेंस है कि वो आइडेंटिकल नहीं है वो दोनों के दोनों जूस। नेक्स्ट वील मूव टू सम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक मोस्ट ऑफ द एफडीए अप्रूव्ड बायोलॉजिक्स आर मेड अप By one of the following, these are made for these are methods for synthesizing biologic drugs. Like a piece of DNA is inserted into the living cell, like a yeast, bacterial and mammalian cell. First, एक piece of DNA को हम insert करते हैं living cell के अंदर. Second, the piece of DNA instructs the cell to produce large amount of specific molecule, usually proteins. Now, the molecule are then isolated so that all living cells and other material are gone and only the desired molecule are left. And at last, the isolated molecule become active ingredient in the biologic drug. So this is a mechanism or you can say the SOB for preparing any biologic drug. The biologic drug may be prepared using this method also according to FDA. So now some important point for biosimilar. According to FDA, to approve a biosimilar, a parent and a biosimilar drug must be administered the same way at the same dose and strength. They work the same way in the body or pharmacist call this same mechanism of action. It may be shown to have same safety efficacy in the patients. And it by it we mean to say that parent drug and biosimilar both. Next, what are similarities between biologic and biosimilar? यू मस्ट बी वेरी क्यूरियस टू नो कि कुछ सिमिलैरिटीज भी हो सकती हैं बायोसिमिलर एंड बायोलॉजिक्स के बीच में। येस देयर एग्जिस्ट सम सिमिलैरिटीज बिटवीन बोथ ऑफ देम। सेल प्रोग्राम टू मेक स्पेसिफिक प्रोटीन्स इज वन ऑफ द सिमिलैरिटी। ग्रोथ अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, बोथ ऑफ देम आर ग्रोन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, सम स्पेसिफिक स्टिपुलेटेड कंडीशन। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव, बोथ ऑफ देम आर कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव टू मेक। एंड एट लास्ट proteins are grown, isolated and purified from living cells in both of the products. Now, what are biosimilars? I have discussed a lot about biosimilars according to me. Now, you can easily give the answer for the question that what is biosimilar? And this, as you can see, the term reference medicine. Reference medicine ka matlab hota hai, jis प्रोडक्ट के को यूज करके हम बायोसिमिलर को फॉर्म कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड आर रेफरेंस मटेरियल और रेफरेंस प्रोडक्ट और रेफरेंस मेडिसिन। नाउ वी विल बी डिफरेंशिएटिंग बिटवीन जेनेरिक एंड बायोसिमिलर बिकॉज ये दोनों के दोनों ही एक तरीके से डिराइव्ड हैं फ्रॉम वन मॉलिक्यूल जो कि खुद का एक पेटेंट ले चुका है और काफी टाइम से मार्केट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा था। तो इन दोनों में खुद के अंदर क्या डिफरेंस है? जनरल डिफरेंस विच एग्जिस्ट बिटवीन देम इज जेनेरिक्स आर
chemical and therapeutic equivalents of chemical drug. This is the most important word. Generics are equivalent of chemical drugs, and biosimilar is copy of existing medicinal product or protein drug, because they are derived from living cell. They are derived from living cell and they are derived from chemical drug. Molecular weight, they possess low molecular weight, they possess high molecular weight. They are structurally smaller and less complex. They are large and complicated. They are more stable. They are sensitive to changes and in physical conditions. Route of administration, you must recognize that generics are orally administered, for example, aspirin, tablet of aspirin, and biosimilars are injected and inhaled. Injected and inhaled, matlab severe conditions mein biosimilars ko hum use karte hain. Manufacturing process is less complex, but it is more complex. And registration procedure ki agar hum baat karein, to it's simple via ANDA, and it's complicated via using EMA and FDA guidelines. We'll discuss it later. Now, biosimilars. Now talking and considering the main topic, biosimilars, they are, as you know, you have a little idea of biosimilars till now. It's a copy of version of approved biologics. It's highly similar but never identical to approved biologics, and they are made from living cells. They possess similar physiology, physicochemical, biological and immunological characteristics, efficacy and safety to approved drug. Increased bioavailability of biosimilars is attained, and they are cost effective. They contain active substance from biological source. Biosimilars are officially approved version of original innovator product, as you know, and can be manufactured when the original product's patent expires. Reference to innovator product is an integral component of approved. Now, for example, we have two drugs. First is Genotropin and second one is Omnitrope. Okay, so the genotropic is a reference medicinal product for the biosimilar Omnitrope. Okay, this is a brief history about Omnitrope, that it was the first biosimilar medicine which was derived from reference medicine from Pfizer, that is Genotropin, that is this. In 2001, Sandoz International applied for market authorization in Europe using well-established medicinal use route. But in 2003, the European Commission rejected its appeal and stated that Sandoz should have used the essential similarity route and not the well-established medicinal route for authorization process. And in 2004, an extensive and official framework for biosimilars was adopted in European Union. And in 2006 April, Omnitrope was approved as a biosimilar. Similarly, Zagzio was approved by US FDA in 2005. Now, in line to this, we'll be discussing example 2. Similarly, Valtropin is a biosimilar that was developed using reference medicinal product, the Humatrope. Okay, and it is important to know that in year 2000, the first biosimilar was approved in India was for hepatitis, for the management of hepatitis. On this slide, I have given some biosimilars approved for the management of several diseases, and you can see the most of the focus is given here on chemotherapy and hypothalamic disorders, like hormonal issues and you can see different type of cancers also here, and Crohn's disease and ulcerative colitis are also part of the disease which for which the biosimilars are used against. Now, these are major concerns associated with biosimilars. Agar hum koi biosimilar bana rahe hain, to in char baaton ka hame khas khayal rakhna chahiye ki safety, substitution, naming and labeling. As you know, for any of the drug to be produced, naming and labeling matters a lot to facilitate prescribing and dispensing of biosimilars, and also aids in precise pharmacovigilance in further departments. In case of safety, as a biosimilar are similar and not identical, safety profile differs. It may differ. For example, Humatrope, a reference product, has different safety profile than Valtropin. Immunogenicity reaction may also lead to decrease in efficiency and production of neutralizing antibodies. For example, Eprex, human albumin stabilizer, replaced by polysorbate 80 and glycine, that is neutralizing antibody, lead to increased immunogenicity.
Now, these are some EMA guidelines which are followed for reg as a regulatory authority for concerned biosimilars. So, hope you understood the concept of biosimilar from this video, and so stay tuned for more videos, and we'll continue trying make the concept more easier and easier. Do like and subscribe the video, and subscribe our channel, and thank you for listening.